नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस में उथल पुथल की खबरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेता सरिता आर्य बीजेपी में शामिल हो गई है। जी हां, सीएम धामी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुई है सरिता आर्य। कांग्रेस को बड़ा झटका, ये कांग्रेस को एक बड़ा डेंट लगा है उत्तराखंड में। प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी सरिता आर्य, जो कि अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पूर्व विधायक सरिता आर्य आज भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। सरिता आर्य यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य के कांग्रेस में आने से नाराज थे। वे नैनीताल सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद अब वो भाजपा में शामिल हो गए। पूर्व विधायक हैं सरिता आर्य और साथ ही साथ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी थी उत्तराखंड से। तो ऐसे में ये बड़ा डेंट, बड़ा झटका लगता हुआ उत्तराखंड कांग्रेस को, जब अब सरिता आर्य उनका दामन छोड़कर अब बीजेपी की नाव में सवार हो चुके हैं। तो उत्तराखंड कांग्रेस में उथल पुथल की यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस नेता सरिता आर्य बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सीएम धामी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुई हैं सरिता आर्य। तो उत्तराखंड से आ रही ये बड़ी खबर, जो उत्तराखंड की सियासत को एक बड़ा झटका देती है, उत्तराखंड कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, जहां पूर्व विधायक सरिता आर्य आज भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो उत्तराखंड कांग्रेस में उथल पुथल की खबरें हैं लगातार। आए दिन दल बदल की जब राजनीति चल रही है, तो ऐसे में एक बड़ा झटका सरिता आर्य ने कांग्रेस को दिया है। कांग्रेस नेता सरिता आर्य आज से बीजेपी नेता हो चुके हैं। सरिता आर्य ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया। सीएम धामी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुई है सरिता आर्य। तो ये बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को आज, जब सरिता आर्य ने अब कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो ऐसे में हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौड़ साहब जुड़ गए। सुभाष जी, एक और इधर से उधर दल बदल की राजनीति जब चली रही है, आना जाना, घर बदलना, अड़ोस पड़ोस के घर में आना जाना चल रहा है, तो ऐसे में सरिता आर्य जी, कल तक कांग्रेस नेता, आज से बीजेपी नेता, कितना फर्क पड़ेगा, क्या असर देख रहे हैं आप? ये बिल्कुल ही कहा जा सकता है कि दल बल की जो राजनीति है वो उत्तराखंड में 2016 के बाद से ही शुरू हो गई थी, जब लगभग 9 विधायक कांग्रेस के टूटकर भाजपा में गए थे। और उसके बाद से ही जो उम्मीद की जा रही थी कि राजनीति का स्तर है वो बहुत बदल जाए, तो वो इस तरफ नजर भी आ रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन बड़ी चीज ये है कि सरिता आर्य सीनियर लीडर थी, महिला प्रदेश अध्यक्ष थी कांग्रेस की, और बड़ा पद उनके पास था। हालांकि पूर्व में वो विधायक भी रही है नैनीताल सीट से, लेकिन क्योंकि कांग्रेस में एक बार फिर यशपाल आर्य और उनके पुत्र की वापसी हुई है, तो ये संभव की बात थी कि यशपाल आर्य के जो पुत्र है उनको नैनीताल विधानसभा सीट से चुनाव के लिए उतारा जाएगा कांग्रेस के टिकट पे। इस वजह से कहीं ना कहीं सरिता आर्य का अफवाह चल रही थी, और उनका साफ तौर से कहना था कि यदि उनको पार्टी मौका नहीं देगी, पार्टी उनके साथ धोखा करेगी, तो वो किसी भी पार्टी से जाकर चुनाव लड़ेगी। और क्योंकि वो कांग्रेस भवन में मौजूद होने के साथ ही उन्होंने एक बार बयान दे दिया था कि वो भाजपा में किसी भी वक्त जा सकती है, तो ये साफ था कि सरिता आर्य किसी भी समय अब भाजपा का दामन थाम सकती है। और आज वो था जब सरिता आर्य ज्यादा थाम लिया। और सुभाष जी, ज्यादा प्रमुख क्या था, यशपाल आर्य जी का आना सिरदर्द था या फिर टिकट ना मिलना दर्द था? बिल्कुल कहा जा सकता है यशपाल आर्य आना और टिकट ना मिलना दोनों एक ही चीज है, क्योंकि यशपाल आर्य के जो बेटे हैं वो नैनीताल से विधायक हैं और बीजेपी के टिकट पर 2017 के विधानसभा सीट उन्होंने पहली बार चुनाव लड़े और वो जीत कर विधानसभा पहुंचे। लेकिन क्योंकि यशपाल आर्य एक सीनियर लीडर थे और बड़ा चेहरा माना जाता है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की राजनीति में, और उनके वापसी कांग्रेस में आना और अपने बेटे को अगर वो वापस लेकर आए कांग्रेस में, तो कहा जा सकता है कि सभी से उम्मीद ये की जा रही थी कि जो टिकट है नैनीताल विधानसभा सीट का वो यशपाल आर्य के बेटे को ही मिलेगा। और उससे कहीं ना कहीं पार्टी के जो पदाधिकारी थे, कहा जा सकता है कि जो सरिता आर्य थी वो भी काफी खफा नजर आ रही थी, क्योंकि उनका कहना था एक तरफ तो ये प्रियंका गांधी कहती है कि 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष यानी कि महिलाओं की जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका ये टिकट काट दिया जाएगा तो औरों के लिए क्या पैरवी करेगी, इसलिए वो नाराज काफी चल रही थी। और उनका साफ तौर से कहना था कि यदि पार्टी हम पर भरोसा नहीं जताती तो हम पार्टी का साथ छोड़ देंगे, हम किसी अन्य दल से जाकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और वो दल भाजपा होगा, ये अभी तक अंदेशा नहीं था। लेकिन ये साफ है कि आज उन्होंने जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक उनकी अध्यक्षता में भाजपा की जो सदस्यता है वो ग्रहण की, और ये साफ है कि नैनीताल विधानसभा सीट से इस बार सरिता आर्य बीजेपी के टिकट पे लड़ेंगी, और
यशपाल आर्य के बेटे कांग्रेस के टिकट पर लड़ते हैं। इन्फॉर्मेशन है कि सीएम धामी की मौजूदगी में शामिल हुई है बीजेपी में। असर की बात करेंगे, असर क्या होगा, क्या असर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, असर की अगर बात की जाए तो बड़ा असर अभी अगले आने वाले 2-3 दिनों में उत्तराखंड की राजनीति में आपको देखने को मिल सकता है। उसकी मुख्य वजह ये भी आप मान सकते हैं कि जैसे ही टिकट फाइनल होंगे, टिकट की जो लिस्ट है जैसे ही सामने आएगी, उसके बाद दल बल की राजनीति और साथ ही विरोध प्रदर्शन बड़ी भारी संख्या में आपको देखने को मिल सकता है, चाहे वो भाजपा हो या फिर कांग्रेस। क्योंकि कुल मिलाकर सभी कोशिश कर रहे हैं कि उनको टिकट मिले, उनके लोगों को टिकट मिले, और यदि पार्टी किसी और अन्य व्यक्ति को टिकट देती है तो नाराजगी बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे कि इन दिनों देखने को मिल रही है उत्तराखंड की राजनीति में। और यही कारण है कि सरिता आर्य ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उसकी मुख्य वजह यही थी कि उनको टिकट नहीं मिल रहा था, उनको अंदेशा था कि उनका टिकट कट रहा है, इस वजह से उन्होंने दल बदल लिया, वो दूसरे दल से टिकट मांगकर चुनाव के मैदान में उतरेंगे। लेकिन वहीं कहीं ऐसे नेता भी हैं जो इस समय भाजपा में मौजूद है और उनको भी उम्मीद है कि उनका टिकट कटता है तो वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सुभाष जी ये बात तो हमको और आपको पता है कि टिकट ना मिलने की नाखुशी हो सकती है, ऐसे में पार्टी दल बदल किया है। लेकिन जैसे कि उत्तर प्रदेश में स्क्रिप्ट चल रही है कि गरीब, शोषित, वंचित, बेरोजगारों को हक नहीं मिला इसलिए हम पार्टी बदल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या स्क्रिप्ट दी है? बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल साफ सुथरी स्क्रिप्ट है कि यदि महिलाओं को हक नहीं मिलेगा तो पार्टी छोड़ देंगे, उनको टिकट नहीं मिलेगा तो पार्टी छोड़ देंगे, उनका सम्मान पार्टी में नहीं होगा तो वो पार्टी छोड़ देंगे, उनके सहयोगों को टिकट नहीं मिलेगा तो वो पार्टी छोड़ देंगे। लेकिन ये है, कुल मिलाकर ये है कि यदि अपने घर में टिकट नहीं आता है तो दूसरे के घर में जाकर टिकट मांगा जाएगा, लेकिन चुनाव 2022 का लड़ा जाएगा, चाहे वो अपनी ही पार्टी से के खिलाफ ही क्यों ना लड़ना पड़े। तो इस तरीके की रणनीति यहाँ चल रही है। लेकिन बड़ा अभी इंतजार उस बात का है कि आखिरकार जो टिकट की घोषणा है, जो पहली लिस्ट है, चाहे वो भाजपा की हो या फिर कांग्रेस की, उस लिस्ट पर अभी सभी की निगाहें हैं, क्योंकि उस लिस्ट पर ना केवल विधायकों की बल्कि बड़ी बड़ी पार्टियों की भी नजरें हैं कि आखिरकार कौन से वो बड़ा चेहरा है जो इस बार 2022 का चुनाव भाजपा के टिकट से नहीं लड़ेगा या फिर कांग्रेस के टिकट से नहीं लड़ेगा। कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां इंतजार कर रही है अपनी भी एक सीट पर कि यदि पार्टी उनके महत्वपूर्ण कैंडिडेट को टिकट नहीं देती, किसी अन्य को टिकट देती है, तो वो अपनी पार्टी में उनको जोड़ लेंगे। कुल मिलाकर जोर तोड़ की राजनीति खूब इन दिनों उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। सुभाष जी, कोई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की तरफ से कोई भी अभी तक कोई भी बयान आया, स्टेटमेंट आया इस पर? जी बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल साफ स्टेटमेंट आया है कि सरिता आर्य को लेकर उन्होंने पहले ही कल कांग्रेस भवन में ये बात कह दी थी कि यदि उनका टिकट नहीं होता है तो वो भाजपा में शामिल हो सकती हैं। लेकिन कांग्रेस जनों का कहना है कि जब तक टिकट की लिस्ट जारी नहीं हुई उससे पहले उन्होंने कैसे अंदेशा लगा लिया कि उनको टिकट नहीं मिलता, उनको ही टिकट मिलना था, लेकिन क्योंकि उनको जल्दबाजी थी, उन्हें राजनीति का गुरूर था और कुल मिलाकर वो चाहती नहीं थी वो कांग्रेस से चुनाव लड़े, क्योंकि वो जानती थी कि कांग्रेस से वो हार रही हैं और उनका कोई वर्चस्व नहीं है, इस वजह से वो भाजपा में शामिल हुई हैं। लेकिन भाजपा में भी उनकी जो दाल है वो गलने वाली नहीं है, क्योंकि वहां भी बड़े बड़े जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं उस टिकट का, जिस टिकट पर सरिता आर्य वहां पहुंची है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुभाष जी। इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखिएगा, हम भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जहां एक तरफ मैच की जैसे ही घोषणा हुई है, जैसे ही ये स्टेट लेवल के मैचेस की घोषणा हुई है, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि मैच तो अभी शुरू नहीं हुए लेकिन विकेट गिरना शुरू हो गए। तो ऐसे में उत्तराखंड में एक और विकेट गिरा है, कांग्रेस का विकेट गिरा है इस बार। कांग्रेस की नेता और महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य जी अब बीजेपी की हो गई है। तो कल तक कांग्रेस की महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही सरिता आर्य जी अब बीजेपी में शामिल हो चुकी है। ये कांग्रेस के लिए, उत्तराखंड कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। वही गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। बीते रविवार के दिन 2103 संक्रमित मरीज मिले हैं। 11211 मरीजों का इलाज अस्पतालों में या होम आइसोलेशन में चल रहा है। 24 घंटे में 1690 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों का हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के संतोष डेंटल मेडिकल कॉलेज 400 बेड वाले अस्पताल में पहुंचे। इस अस्पताल के अंदर 22 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद दिखा।
दर्शकों, आगामी चुनावों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, वहीं लाइसेंसी असलहे जमा करने की भी लोगों से अपील की जा रही है, जिससे चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जा सके। प्रदेश में जहां कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं बढ़ती राजनीतिक सरगर्मियों के बीच सियासी दल कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे, जिससे प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ने का खतरा बना हुआ है। काशीपुर से सटे जसपुर विधानसभा के कुंडा इलाके में कार्यकर्ताओं के बीच बीजेपी के चुनाव प्रचार को पहुंचे भाजपा नेता और जसपुर के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल के विचारों को भाजपा कार्यकर्ताओं को सुनने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जमकर जुटा। यही नहीं, इस दौरान कई कार्यकर्ता दो गज की दूरी मास्क है जरूरी के धज्जियां उड़ाते साफ नजर आए, लेकिन राजनेताओं को जैसे इससे कोई सरोकार ही नहीं, बस उनके लिए जय जयकार ही सर्वोपरि है। चुनाव बहुत निकट है और मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का प्रसार करने और अपने मतदाताओं से ये अपील करने आया हूँ कि इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश में स्थापित करें। यहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, महिलाएं भी आई हैं, बुजुर्ग भी आए हैं, युवा भी आए हैं और सबने संकल्प लिया है कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। जो रुझान है वो स्पष्ट नज़र आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता ज़्यादा विश्वास रख रही है। कांग्रेस के तो दो कारण हैं, कांग्रेस के अंदर एक तो जो शीर्ष नेतृत्व है वह बहुत कमज़ोर है और यहाँ पर गुटों की जो लड़ाई है उनको रोकने वाला कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं है, तो यहाँ पर आपसी लड़ाई जो कांग्रेस की है वो चरम सीमा पर चल रही है और आप देखेंगे जैसे टिकट बंटवारे होंगे इनमें जूतम जात होनी है। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बाकी न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, कहीं जाइएगा नहीं। सरकारों से सवाल पूछना है मेरी आदत, मैं वो नहीं हूँ जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूँ जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ उसी पे बात करता हूँ। राष्ट्रहित 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 किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया। मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा सांसद जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गरम है, मुद्दा भी गरम है, तो बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे। अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। चलिए भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब, बहुत सारे सवाल है जवाब दीजिएगा। इस आंदोलन में बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी, लखीमपुर तो आप पहुँच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई? न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे तब आपकी सरकार जाती है? हम हैं न्यू वर्ल्ड इंडिया। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभालेंगे। कल का मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे ऐसे मौके से पूरी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। इसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहाँ पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहाँ पर शराब के ठेके दे दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते नहीं? हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे के डर भैया। तो अपने ने लूटा गैरों में कादम था, मेरी किश्ती डूबी माजा पानी कम था, हरीश रावत के साथ भी यही हुआ।
देखिए पूछता है उत्तराखंड तिलक चावला के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। वहीं गुजरात के बनासकांठा में कार और ट्रैक्टर के बीच भीषण टक्कर हो गई जिसमें कार में सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे हैं। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठा एक मजदूर भी हादसे का शिकार हो गया। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि कार में सवार लोग खेड़ा गांव से अपने गांव भाखड़ियाल जा रहे थे तभी रास्ते में यह हादसा हो गया है। मशहूर कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 साल की उम्र में निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने से पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज ने आखिरी सांस ली। बिरजू महाराज के निधन की जानकारी उनके परिवार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दी है। बिरजू महाराज के निधन के बाद से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई। कलाकार सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बिरजू महाराज जब अपनी कला का प्रदर्शन करते थे तो उनके हाव भाव देखने वाले होते थे। उनके एक्सप्रेशन देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। तो आपको बता दें कि पंडित बिरजू महाराज ने कई बॉलीवुड गानों को कोरियोग्राफ भी किया है जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। बिरजू महाराज के नक्शे कदम पर चलकर कई कोरियोग्राफर्स ने अपनी पहचान बनाई। बिरजू महाराज आज हमारे साथ नहीं है लेकिन उनका कथक हमेशा उनके चाहने वालों के दिलों में जीवित रहेगा। वहीं कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच देश में जोर शोर से वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। कोविन पोर्टल के मुताबिक 15 से 17 वर्ग आयु में आपको बता दें कि 3,45,35,664 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। इस आयु वर्ग में करीब 7.5 करोड़ बच्चे हैं। जिस रफ्तार से 15 से 17 साल के आयु वर्ग के बच्चों में टीकाकरण हो रहा है उससे उम्मीद की जा रही है कि फरवरी के अंत तक उस आयु वर्ग का टीकाकरण हो जाएगा जिसके बाद 12 से 14 आयु वर्ग में टीकाकरण शुरू कर सकते हैं। तो भारत के लोगों को एक बार फिर महंगाई का तगड़ा झटका लगने वाला है। पेट्रोल डीजल आने वाले दिनों में और भी महंगा हो सकता है क्योंकि कच्चे तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में 7 साल के उच्चतम स्तर पर जा पहुंचे हैं। कच्चे तेल के दाम $86 प्रति बैरल के पार जा पहुंचे हैं। कच्चे तेल के दामों में आग लगी है। नए वर्ष 2022 में कच्चे तेल के दामों में 10% से ज्यादा उछाल आ चुका है। बीते 4 हफ्ते से लगातार कच्चे तेल के दामों में तेजी देखी जा रही है और जानकार मानते हैं कि कोविड के असर घटने के बाद मांग में तेजी के चलते कच्चे तेल की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी जिसके चलते कच्चे तेल के दामों में भी और ज्यादा उछाल देखने को अभी और मिल सकता है। 1 दिसंबर 2021 को कच्चे तेल के दाम $68.87 प्रति बैरल था जो अब $86 प्रति बैरल के ऊपर कारोबार कर रहा है। यानी 1.5 महीने के भीतर कच्चे तेल के दामों में निचले स्तर से 25% की तेजी आ चुकी है। '71 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान मुंबई से आ रहा भारतीय सेना का INS सुखरी युद्धपोत पाकिस्तानी पनडुब्बी के हमले में डूब गया था। एक स्मारक बनाया जाएगा उस पर ताकि लोग वीर कप्तान महेंद्रनाथ मुल्ला को जान सके। जहाज के योद्धाओं और एक बार फिर इसके गौरवशाली इतिहास को देखें। द्वीप चक्रतीर्थ समुद्र तट पर बनेगा युद्धपोत INS सुखरी मेमोरियल। दीव प्रशासक प्रफुल्ल पटेल करेंगे INS सुखरी मेमोरियल द्वीप का उद्घाटन। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारतीय सेना में एक युद्धपोत के रूप में सेवारत 2 INS कुकरी लड़ाई में भाग लेने के लिए मुंबई और विशाखापट्टनम से द्वीप की ओर जा रहे थे। अधिक शहीद और शहीद हुए जिनके सम्मान में सुखरी में द्वीप में स्मारक अभी भी मौजूद है। स्मारक 26 जनवरी से शुरू होगा बनना। आने वाले दिनों में युद्धपोत सुखरी की प्रतिकृति में द्वीप आने वाले पर्यटक 171 से अधिक भारतीय सेना के कप्तानों और वीर सैनिकों के साथ युद्धपोत सुखरी की बहादुरी और निडरता को याद कर सकेंगे। मेमोरियल दीव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और आज दीव को एक और नई सौगात मिली है जिसमें सेम क्लास का फ्रिगेट क्लास का डी कमीशन वेसल नेवी की तरफ से दीव प्रशासन को दिया जा रहा है और ये हमारे माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी के बहुत प्रयासों के
पूर्ण स्वरूप हो पाया है कि आज ये वेसल यहाँ पे पहुँचा है और इसको द्वीप प्रशासन को देने की प्रक्रिया 26 जनवरी को की जाएगी रिपब्लिक डे में आज़ादी के अमृत महोत्सव के इवेंट के अंतर्गत। तो अभी सारी उसकी प्लानिंग की जा रही है कि इस वेसल को डिस्प्ले पे रखा जाएगा। आगरा के फतेहपुर सीकरी से बीजेपी प्रत्याशी चौधरी बाबूलाल ने नामांकन किया। इस दौरान जीत के प्रति वो आश्वस्त दिखाई दिए। उनका कहना है कि नाराज कार्यकर्ताओं को मनाना हमारी प्राथमिकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए संघर्ष करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। जीत में कोई शंका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हम लोग कार्यकर्ता है, 200% जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बीजेपी लगातार देखने में आ रहा है कि कई तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो मंडल अच्छे, वही विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में विपक्ष से ज्यादा अपनों से नहीं लगता कि नहीं, करना अपनों से कोई लड़ाई नहीं है। अपन लोगों को घर जा जा करके हम लोगों ने मनाया, सबके साथ बैठे, सबके जो जितने भी है सबके पास गए हम लोग। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आज सोमवार को अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराने के लिए अन्य संकल्प लिया है। इस मौके पर अखिलेश यादव के साथ किसान नेता तेजिंदर सिंह विर्क भी थे। लखीमपुर कांड के वक्त तेजिंदर भी गाड़ी से टक्कर लगने पर जख्मी हुए थे। अखिलेश यादव ने कहा कि तेजिंदर सिंह विर्क आज सपा के साथ हैं, इनको लखीमपुर में कुचलने की कोशिश की गई थी। अखिलेश ने आगे कहा कि किसानों ने आखिरकार सरकार को झुका दिया, जिसकी वजह से दबाव में आकर उन्हें 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उनकी सरकार बनने पर गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान किया जाएगा, किसान रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा, इसके साथ साथ किसानों को मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन और बीमा भी दिया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित हर दूसरे व्यक्ति में ओमिक्रॉन के लक्षण मिल रहे हैं। राज्य के दून मेडिकल कॉलेज के कोविड सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। मेडिकल कॉलेज ने 160 के लगभग सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग जांच में 54% सैंपलों में ओमिक्रॉन की पुष्टि की है, लेकिन कोरोना का ओमिक्रॉन वेरियंट डेल्टा की तुलना में कम घातक साबित हो रहा है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने बताया कि पूरे प्रदेश में 2255 कोविड संक्रमित सैंपलों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दून मेडिकल कॉलेज की प्रयोगशाला को भेजा गया था। इसके सापेक्ष 160 के लगभग सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट मिली है। इसमें 85 सैंपलों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया। प्रदेश में जितने भी सैंपल कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें लगभग 15% सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के कहर के बीच अब आज से स्कूल नहीं खुलेंगे। स्कूल अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन क्लास चलाई जाएंगी। वहीं 22 जनवरी तक आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए शासन ने 7 जनवरी को आदेश जारी कर 16 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया था, जिसके बाद 17 जनवरी यानी आज से स्कूल खुलने थे, लेकिन अब निर्णय लिया गया है कि फिलहाल बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। प्रदेश के स्कूलों को बंद रखने की समय अवधि बढ़ाए जाने के लिए शासन स्तर से शासनादेश जारी कर दिया गया है। शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।